दोस्तों, आंखों में खुजली होना कोई विशेष बीमारी नहीं होती है। यह अक्सर एलर्जी इन्फेक्शन होता है जो अलग अलग मौसम परिवर्तन के कारण हर तीसरे व्यक्ति को झेलना पड़ता है। वैसे आंखों का ख्याल विशेषकर हर इंसान को रखना चाहिए। यह हमारे शरीर का सबसे बहुत ही उपयोगी अंग है। इसका इस्तेमाल एवं ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। आंखें हमारे शरीर के सभी अंगों में से संवेदनशील अंग है। आज के इस बढ़ते पोल्यूशन के कारण हर इंसान को आंखों की समस्या, जैसे आंखों में खुजली होना, आंखों के बाहर काले लाल चकते होना, आंखों से पानी गिरना, यह समस्या अक्सर देखने को मिलती है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जैसे ही गर्मी की सीजन शुरू होती है तो हर तीसरा व्यक्ति आंखों की एलर्जी, जैसे खुजली, आंखों के काले घेरे, आंखों से पानी गिरना, इस प्रकार की समस्या लेकर डॉक्टर्स के पास जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसे आप किसी बीमारी की श्रेणी में शामिल नहीं कर सकते। बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपकी आंखों में खुजली आए तो आपको तेज मसलना नहीं है। तेज रगड़न के कारण आपको संवेदनशील आंखों की पुतली कमजोर हो जाती है, जिसके कारण पुतली से संबंधित समस्या बन सकती है और आंखों में खुजली होना एक एलर्जी का ही रूप है। यह आपकी आंखों को खासकर गर्मियों के मौसम में प्रभावित होती है। इनको ठीक करना काफी आसान है। कुछ ऐसे घरेलू इलाज मौजूद है जिनको आप कुछ दिनों तक इस्तेमाल करेंगे तो आपको आंखों की खुजली का इलाज अगले 10-15 दिनों में दूर हो जाएगी। आंखों में खुजली होना गर्मियों के मौसम में जो धूल भरी आंधियां चलती है या फिर तेज धूप में बाहर कोई भी कार्य करते हैं, जिसके कारण शरीर के आंखों पर धूल जम जाती है, जिसके कारण आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे आंखों में खुजली होना शुरू हो जाती है। अगर आपको इस प्रकार के कार्य करने से आंखों का इन्फेक्शन होता है तो आप कुछ घरेलू सावधानियों का इस्तेमाल करें। यह आपकी संवेदनशील आंखों की सुरक्षा करेंगे और एलर्जी से बचाव करेंगे। और इन घरेलू इलाज की खास बात है कि आप बहुत ही आसानी से इन उपायों को अपना सकते हैं। आप दिन में 3 बार साफ कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर गीले कपड़े को अपनी आंखों पर रखें और कपड़े को बार बार आपको पर पलट पलट कर रखें। इससे आंखों की जो जलन खुजली होती है उसको दूर करने में मदद करता है। इसके साथ साथ आंखों पर सूजन है उसको भी दूर करने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि आंखों की खुजली आंखों में गर्मी होने के कारण होती है और यह ठंडा गीला कपड़ा आपकी आंखों की गर्मी को दूर करने में मदद करता है। फ्रेंड्स, वैसे तो बाजार के प्रत्येक मेडिकल में बहुत सी आंखों की एलर्जी की ड्रॉप्स मिल जाती है, लेकिन सभी आंखों की खुजली दूर करने में आपकी मदद नहीं करती है। लेकिन जो अरोगत पी के नाम से जो मेडिसिन आई ड्रॉप्स है, उसका रिजल्ट इतना शानदार है कि आपकी आंखों की एलर्जी, खुजली, आंखों से पानी गिरना, इस प्रकार की सभी समस्या को दूर करने में रामबाण उपाय है। इसका इस्तेमाल हमने कम से कम 20 युवा साथियों की समस्या को दूर करने में किया है। आप भी एक बार इस्तेमाल करें, इतना असरदार रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आप दूसरों की इस प्रकार की समस्या दूर करने में मदद करेंगे। आलू और खीरा आंखों की सुरक्षा के लिए एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। इसकी ठंडक इतनी फायदेमंद होती है कि आंखों की खुजली, त्वचा इन्फेक्शन, जलन आदि को दूर करने में काफी मदद करता है। इससे खीरा आंखों की समस्या के साथ साथ बॉडी के अंदरूनी अंगों की सुरक्षा में भी लाभदायक है। आप खीरे का सलाद खाने में इस्तेमाल करें। यह आपके भोजन को पचाने एवं पेट की कब्ज, गैस, एसिडिटी को दूर करने में मदद करता है। आंखों की जलन में आलू और खीरे को स्लाइस के आकार में गोल काटें और आंखों को साफ ठंडे पानी से धोकर बंद आंखों पर इन गोल टुकड़ों को रखें 10 मिनट तक लगातार। दिन में 3-4 बार आंखों पर रखें आंखों की खुजली में राहत दिलाने में सहायक है। आयुर्वेदिक औषधियों से भरपूर गुलाब जल आंखों की जलन, खुजली आदि को दूर करने एवं आंखों के नीचे त्वचा पर काले घेरे को दूर करने में गुलाब जल एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। आपकी तेज खुजली को गुलाब जल की 2 बूंदें बिल्कुल आराम दिलाने में मदद करता है। या फिर आप कॉटन प्रूई को गुलाब जल में भिगोए और उस कॉटन को आंखों पर रखिए, सबसे असरदार उपाय है। लगातार 10 दिनों तक आंखों पर रखें, खुजली बिल्कुल गायब हो जाएगी।
आँखों को दिन में 3-4 बार साफ ठंडे पानी से धोना है। ज्यादा ऑयली फूड्स का इस्तेमाल खाने में ना करें। आँखों को तेज धूप से बचाना है। तेज धूल भरी आंधियों में मौसम में घर से बाहर ना निकलें। दिन में 8-10 गिलास ठंडे पानी का पीने में इस्तेमाल करें। खाने में कच्चे फल और सब्जियों को सलाद में इस्तेमाल करें। ज्यादा नींद नहीं निकालनी है, यानी टाइम पर सोए। 8-10 घंटे की चयन भरी नींद लें। कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल जैसे डिवाइस पर कम समय बिताएं।